अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सुभान अडोबी आइडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपका दोस्त सुभान अली और आज एक और फोटोशॉप की क्लास जिसके अंदर हम देखेंगे लेवल्स ये क्या होते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक। हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ सुनने को मिले क्योंकि थोड़ा सा समर आ चुका है हल्का हल्का, तो जिसकी वजह से मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है तो उसका थोड़ा सा नॉइज़ आपको सुनने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम फोटोशॉप पर। ये मैंने फ़ोटोशॉप के ऊपर एक टेक्सचर ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल्स, सबसे पहले मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि लेवल कहाँ पर होगा। आपका सिंपल यहाँ पर ही होगा और ये रही आपकी वो लेवल्स वाली लेयर। ठीक है जी, मैं अब करता हूँ इसे सिलेक्ट लेवल्स को। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं ब्राइटनेस वाली भी सिलेक्ट हो गई। जैसे मैंने लेवल्स को सिलेक्ट किया है, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो चुका है। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम गौर करते हैं इस ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। मैं आपको अभी बताता हूँ, ये ग्राफ शो कर रहा है कि जी आप इसके अंदर देखें, एक डॉट है, डॉट ना कह लें एरो कह लें, दूसरा एरो एंड तीसरा, आप इसको पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अब आप गौर करें तो आपके पास जो ये वाला है, ये वाला वाइट वाला, ये आपको क्या शो करा रहा है कि जी ये जो आपका वाइट एरिया ये उसको कंट्रोल करेगा, और जो आपका ब्लैक वाला है ये शो करवा रहा है कि आपके ब्लैक एरिया को कंट्रोल करेगा, और जो ये आपका 50% ग्रे है यानी कि थोड़ा थोड़ा ग्रे है, ये आपका शो कर रहा है कि ये आपका मिड टोन्स को ना फॉलो करेगा या उनको ट्रीट करेगा। अब हम देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। सबसे पहले हम इन तीनों में से इसको देखते हैं। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा इसको इधर से इधर स्लाइड करते हैं। सीट क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। मैं इस पैनल को क्लोज कर देता हूँ। पैनल मैंने आपको बताया हुआ कि किस तरह से एडजस्ट करते हैं, सिंपल। मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ क्लोज पैनल को। इसने आप कहाँ से क्लोज, ओके जी। यह चुका है हमारा क्लोज, मैं इसको फिर यहाँ पर प्लेस करता हूँ। अब ये रही लेयर हमारी एंड इन्फो प्रॉपर्टी, ये आ गया जी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर आउटपुट। तो अब मैं इसको देखता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा काट लेता हूँ इसको, लेयर वाला पैनल भी थोड़ा सा बड़ा काट लेते हैं क्योंकि हम अपने पैनल को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ले जी, सबसे पहले हमने देखना है इसको। तो अब मैंने ब्लैक को इधर किया था तो क्या हुआ था, यहाँ से जो ब्लैक एरिया था वो यहाँ से ब्लैक होना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि जो जो एरिया ब्लैक था उसकी वैल्यूज़ और ब्लैक होना शुरू हो गई थी। अगर मैं वाइट वाले को सिंपल यहाँ से यहाँ करता हूँ तो आप यहाँ पर गौर करें, इतना एरिया आपका वाइट हो चुका है। पहले ऐसे था, अब यहाँ पर वाइट हो चुका है। तो अब हम मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्क किस तरह से करता है। वर्क किस तरह से करता है, जो आपका डार्क एरिया है, अगर आप डार्क वाले स्लाइडर को राइट साइड पर मूव करेंगे, आपके जो डार्क पिक्सल है वो उनको और डार्क कर देगा। तो इसी तरह अगर आप अपने वाइट वाले को लेफ्ट साइड पर स्लाइड करेंगे तो आपका ये जो आपके पास यहाँ पर ब्राइट एरिया था वो आपको उसने और ब्राइट कर कर दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल इस तरीके से। तो अब एक और स्लाइडर है इसके अंदर, वो रहा ये वाला, इसको अब हम देखते हैं। इसको मैं पहले रीसेट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये वर्क बिल्कुल इजी तरीके से करता है। अगर मैं सिंपल यहाँ पर इसको राइट साइड पर करूँगा, ये क्या करेगा, ब्लैक को तो कर ही रहा है लेकिन साथ जो आपका ये मिड टोन्स का एरिया था इसको भी उसने करना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको वापस जाकर दिखाऊँ, और अब ये ब्लैक को मैं करता हूँ, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये आपने इसने आपके मिड टोन्स भी ब्लैक करने शुरू कर दिए। तो अगर मैं इसी को लेफ्ट साइड पर लेके जाता हूँ, इसने आपके मिड टोन्स वाइट करने शुरू कर दिए और साथ साथ ब्लैक को थोड़ा सा रिवील करना शुरू कर दिया क्योंकि
ब्लैक के अंदर भी हल्के हल्के फिर मिड टोन्स आना शुरू होता है, क्योंकि पिछले मिड टोन्स ख़त्म हो जाते हैं वो वाइट हो जाते हैं, फिर आगे वाले मिड टोन्स आते हैं वो इसी तरह से इनको आगे करता रहता है। अब आ जाती है जी ये वाले स्लाइडर्स की बारी। ये वाले स्लाइडर्स किस तरह से काम करते हैं, ये बिल्कुल इसके ओपोजिट काम करते हैं, यानी कि जो हमने ये वाला देखा इसके बिल्कुल ओपोजिट ये वाले स्लाइडर काम करते हैं। अगर मैं ब्लैक वाले को सिंपल यहाँ पर करता हूँ तो ये क्या कर रहा है जी, जो आपका ब्लैक डार्क पिक्सल है उनको ब्राइट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं सिंपल वाइट वाले को करता हूँ तो ये आपके जो आपके पास ब्राइट पिक्सल थे इसने उनको भी डार्क करना शुरू कर दिया। तो ये सिंपल थे इसके अंदर और कुछ नहीं है, बाकी रेड ग्रीन ब्लू ये मैंने आपको कर्व में बता दिया था, बिल्कुल सेम है। तो बस आज की क्लास इतनी, तो आज आपको मैं कुछ कुछ खबरें सुनाता हूँ। फाइनली मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लिया है जिसके ऊपर आपको फ्री बैकग्राउंड्स, ओवरलेज, PNGs वगैरह मिला करेंगी, वो भी डेली बेसिस पर। अगर आप ये वाला टेक्सचर भी देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, ये भी मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।